नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है बोट वेव बीट कॉल स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है केवल 1499 में। हालांकि इसकी प्राइस कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपको ये स्मार्ट वॉच 1699 या उसके अंडर मिलती है तो काफी बढ़िया डील है। ये है कॉलिंग स्मार्ट वॉच और इसमें है 1.69 इंच का TFT डिस्प्ले, मल्टीपल वर्कआउट मोड, हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर, स्मार्ट नोटिफिकेशन, मल्टीपल वॉच फेसेस, लाइव क्रिकेट स्कोर और ये है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप, हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। तो अनबॉक्सिंग करने पे आपको मिलेंगी इतनी चीजें, यह है यूजर मैनुअल, कॉलिंग के फीचर को कैसे यूज करना है इस कार्ड में बताया गया है, यह है एक मेड इन इंडिया स्मार्ट वॉच इसीलिए आपको मिल जाता है थैंक यू कार्ड बोर्ड की तरफ से, वारंटी इन्फॉर्मेशन कार्ड, इस वॉच के लिए आपको मिलती है 1 ईयर की वारंटी। अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो अपनी वॉच में, अगर आपको अपनी वॉच की वारंटी को क्लेम करना हुआ तो आपको इस कार्ड में बैक साइड में मिलेगा इनका नंबर और ईमेल आईडी, तो आप बोट के कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो अपनी वॉच में। यह है बोट का प्रोडक्ट लिफलेट, बोट हेड का स्टिकर, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और यह है स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। इसमें है 240 mAh की बैटरी, इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 आवर्स, आपको मिलेगा 7 डेज का बैटरी बैकअप, लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 डेज का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वाट या 10 वाट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो, जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है आपके स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में, या आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। तो जो स्मार्ट वॉच है दिखने में काफी अच्छी है, लाइट वेट है, इसकी जो बिल्ड है प्लास्टिक की है लेकिन इसमें मिलता है आपको मेटालिक फिनिश, हालांकि बिल्ड क्वालिटी अच्छी है प्लास्टिक के हिसाब से। फ्रंट में आपको दिया गया है 2.5D कर्व डिस्प्ले, साइड में है एक राउंड बटन। बैक की बात करेंगे तो बैक में है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, SpO2 एंड हार्ट रेट सेंसर और ये है स्पीकर और यहाँ पे माइक कॉलिंग पर्पज के लिए। सेंसर्स के ऊपर एक प्लास्टिक की फिल्म आपको मिल जाएगी जिसे आप रिमूव कर सकते हो यूज करने से पहले। ये जो स्ट्रैप्स है सिलिकॉन के हैं 20mm के, जो अच्छी क्वालिटी के हैं। ऊपर में है एक मेटालिक बकल और 2 स्ट्रैप्स होल्डर, आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और ऐसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे वाले पिन को होल में अलाइन करना है, ऊपर वाली पिन को नीचे खींचना है और फिर ऊपर वाले होल में अलाइन करना है इस तरीके से। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो उसके लिए आपको करना है बटन पे लॉन्ग प्रेस और जब लोगो दिखाई देगा तब उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच हो चुकी है स्विच ऑन, अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है बोट क्रेस्ट। तो बोट क्रेस्ट इसे आपको डाउनलोड कीजिए, इसके बाद आपको इसे करना है ओपन, आपको करना है टैप टू स्किप, डन पे टैप कीजिए, स्किप पे टैप कीजिए, आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है, सर्कल में टिक करनी है, करना है सबमिट। इसके बाद आपके नंबर पे जाएगा एक OTP, आपको OTP को एंटर करना है, फिर करना है कंटिन्यू। आप 2 तरीके से इसे आप में साइन अप कर सकते हो, एक तो किसी भी ईमेल आईडी का यूज करके या अपने जीमेल आईडी का यूज करके, मैं करूंगा मैनुअल साइनअप। टैप कीजिए, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल फोटो सेट कर सकते हो, फिर आपको अपना नेम एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी और करना है सबमिट। मेल फीमेल चूज कीजिए, सबमिट, आपकी डेट ऑफ बर्थ सेट कीजिए, अपनी हाइट सेंटीमीटर में, आपका वेट kg में, फिर कीजिए सबमिट, अलाउ पे टैप कीजिए, नेक्स्ट पे टैप कीजिए, अपने फोन में ब्लूटूथ को ऑन कीजिए, फिर से कीजिए नेक्स्ट, वाइल यूजिंग द ऐप, फिर आपको यहां देखना है वेव बीट कॉल, तो ये रहा वेव बीट कॉल, आपको इस पे टैप करना है, फिर यहां पे शो करेगा बीट कॉल, आपको फिर इस पे टैप करना है। पेयरिंग हो चुकी है, फिर आपको करना है नेक्स्ट पे टैप, फिर आपको अपना डेली स्टेप गोल सेट करना है कि आप रोजाना कितने स्टेप चलना चाहते हो, तो मैं सेट करूंगा, डन पे टैप करूंगा। अपडेट अवेलेबल है तो आपको करना है प्रोसीड पे टैप, अपडेट पे टैप कीजिए। तो मैंने अपनी वॉच को कर लिया है अपडेट, फिर आपको करना है ओके। इस ऐप को सिंक होने दीजिए, तो वेट कीजिए। कॉलिंग का फीचर अभी तक स्मार्ट वॉच में ऑन नहीं हुआ है, तो अगर आपको
कॉलिंग के फीचर को ऑन करना है तो आपको यहाँ पे ऊपर में कॉल का बटन दिखाई देगा, आपको इस पे टैप करना है। पेयर नाउ पे टैप कीजिए, आपको मिलेगा एक पॉपअप, आपको पेयर पे टैप करना है। इसके बाद आपको अलाउ करना है कॉल नोटिफिकेशन, इसे ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए परमिशन को ताकि आप जो कॉल से अपनी वॉच में रिसीव कर सको। बोट क्रेस्ट को आपको ऑन करना है, अलाउ कीजिए, बैक जाइए। इसके अलावा SMS अगर आप देखना चाहते हो अपनी वॉच में तो आप इसे भी ऑन कीजिए। और ये है ऐप नोटिफिकेशन, आपको इसे ऑन करना है। और यहाँ पे आपको मिलेंगे केवल 3 ही ऐप्स और वो है Gmail, WhatsApp और Instagram। तो अगर आपको इन ऐप से कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपकी वॉच में भी रिसीव होंगी, तो अगर आप चाहते हो तो आपको इन्हें ऑन करना है। इसके बाद लास्ट में कीजिए सेव, ओके। फिर है सिंक कॉन्टैक्ट्स, तो आप अपनी स्मार्ट वॉच में मैक्सिमम 20 कॉन्टैक्ट्स को सेव करके रख सकते हो। आपको सिंक कॉन्टैक्ट पे टैप करना है, प्लस के साइन पे टैप कीजिए। जिस किसी कॉन्टैक्ट को आपको ऐड करना है उसके सामने सर्कल होगा, आपको उस सर्कल में टैप करके टिक करना है। तो मैं इसे 20 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो मैंने कॉन्टैक्ट्स को कर लिया है सिलेक्ट। फिर आपको करना है सिंक पे टैप, ओके। तो ये रहे वो कॉन्टैक्ट्स जो अब आपको शो करेंगे स्मार्ट वॉच में भी। आप चाहो तो यहां से इसे कर सकते हो डिलीट, आपको आइकन पे टैप करना है उसे डिलीट करने के लिए, फिर ओके पे टैप कीजिए। अगर आपको फिर से किसी कॉन्टैक्ट को ऐड करना है तो प्लस के साइन पे टैप करके आप ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम आप 20 ऐड कर पाओगे। सेव करने के लिए बैक जाइए। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो इस तरीके से आपको रिसीव होगा कॉल आपकी वॉच में, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा, वॉच में रिंगटोन भी प्ले हो रही है और वॉच कर रही है वाइब्रेट। अगर आप इस रिंगटोन को म्यूट करना चाहते हो तो आपको इस बटन पे प्रेस करना है, रिंगटोन म्यूट हो जाएगी वॉच में भी और फोन में भी। और अब आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन, कॉल को एक्सेप्ट करने का, कट करने का, और ये है क्विक रिप्लाई का फीचर। तो टैप कीजिए, जो भी आपने 5 रिप्लाई सेट किए हैं ऐप में यहाँ पे शो करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी को भी सेंड करना हुआ तो उस पर टैप कीजिए, सामने वाले को जाएगा ये मैसेज और आपका जो कॉल होगा कट हो जाएगा। और अगर आपने अपने कॉल्स को एक्सेप्ट किया तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन, कॉल को कट करने का, ये है कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट करने का, यहाँ से आप जो कॉल का वॉल्यूम है उसे एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट वाला जो है ये है कॉल को स्विच करने का। तो जो कॉल है अब वॉच में चल रहा है, आप चाहते हो कॉल फोन में जाए तो आपको इस पर टैप करना है। कॉल अब जा चुका है फोन में, आपको वापस आना है वॉच में तो टैप कीजिए। इस तरीके से आप कॉल को स्विच कर पाओगे वॉच टू फोन और फोन टू वॉच। इस वॉच में जब भी कोई कॉल आएगा तो आपकी वॉच में रिंगटोन बजेगी, हालांकि आप रिंगटोन को म्यूट कर सकते हो जैसे मैंने बताया। लेकिन मान लेते हैं आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे आप नहीं चाहते कि रिंगटोन बजे आपकी वॉच में, तो रिंगटोन को म्यूट करने के लिए पहले से आपको जाना है आपके फोन के BT सेटिंग्स में। तो B पे लॉन्ग टैप कीजिए, फिर आपको यहां पे मिलेगा बीट कॉल BT, गियर के आइकन पे टैप कीजिए, आपको दोनों टॉगल को ऑफ करना है। इसके बाद अगर कोई भी कॉल आएगा अब तो आपकी वॉच में केवल वाइब्रेशन होगा, रिंगटोन नहीं बजेगी, लेकिन आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे, कट कर पाओगे, इसे म्यूट कर पाओगे और इसे रिप्लाई सेंड कर पाओगे इस तरीके से, हालांकि रिसीव करने का ऑप्शन नहीं होगा। जो रिंगटोन है आप उसे भी म्यूट कर सकते हो अपनी फोन की रिंगटोन को यहां से। और फिर अगर आपको कॉल के फीचर को यूज करना है, अगर आप चाहते हो कॉल आपकी वॉच में रिसीव हो तो आपको दोनों टॉगल को ऑन करना है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो SMS आ चुका है, अच्छी बात है कि जब SMS आता है तो वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाता है और वॉच करती वाइब्रेट। ऊपर में कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर शो करेगा और टाइम, और यह है मैसेज का कॉन्टेंट, आप इस तरीके से इसे रीड कर पाओगे। अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो कीजिए स्वाइप राइट और यहां पे आपके शो करेंगे मैसेज, आप टैप करके किसी भी मैसेज को ओपन करके उसे रीड कर सकते हो इस तरीके से। यहां पे शो करेंगे SMS के लिए केवल 4 लाइन आप देख पा रहे हो, हिंदी फॉन्ट और इमोजी सपोर्ट नहीं करते इस वॉच में। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी WhatsApp मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो WhatsApp मैसेज भी आ चुका है और WhatsApp में भी डिस्प्ले ऑन होता है, वॉच करती है वाइब्रेट, और इस तरीके से आप WhatsApp के आइकन के साथ मैसेज को रीड कर पाओगे। यहां पे आप देख पाओगे केवल 4 से 5 लाइन, अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया यहां पे तो कीजिए स्वाइप राइट और ये है WhatsApp मैसेज, टैप कीजिए, इस तरीके से आप रीड कर पाओगे। आप अपने यहां पे पिछले 8 मैसेज को रीड कर पाओगे एक साथ। अगर आपको सभी को करना हुआ एक साथ क्लियर तो नीचे आपको मिलेगा क्लियर ऑल का ऑप्शन, एक साथ डिलीट करने के लिए।
तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइस का सेटअप। तो आपको लास्ट वाले गियर के आइकन पे टैप करना है और ये है सेटिंग्स। सबसे पहले है माय प्रोफाइल, तो आप यहां से अपनी प्रोफाइल फोटो, अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मेल फीमेल यहां से चेंज कर सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, वॉकिंग स्ट्राइड लेंथ और रनिंग स्ट्राइड लेंथ आप यहां से चेक कर सकते हो, मतलब कि चलने के दौरान आपके कदमों की लंबाई कितनी होती है और रनिंग के दौरान आपके कदमों की लंबाई कितनी होती है आप यहां से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फिर आपको करना है सेव पे टैप, ओके। फिर आगे है वेव बीट कॉल फीचर, इस पे टैप कीजिए। सबसे पहले है वॉच फेस, तो आप यहां से वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो, आपको इस पे टैप करना है। आप यहां पे वन टैप में वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, आपको बस टैप करके करना है अप्लाई पे टैप। आप देखोगे वॉच फेस चेंज हो जाएगा। अगर आपको वॉच फेस को डाउनलोड करना है तो आपको क्लाउड पे टैप करना है। यहां पे आपको मिलेंगे ढेर सारे वॉच फेसेस, यहां पे टोटल 650 प्लस वॉच फेसेस। आपको जिस वॉच फेस को डाउनलोड करना है आपको इस पे टैप करना है। जैसे कि मुझे डाउनलोड करना है इस वॉच फेस को, तो मैं इस पे टैप करूंगा। फिर करना है अप्लाई पे टैप। इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी है तो आपको जाना है वॉच फेस में, बैकग्राउंड पे टैप करना है आपको, फोटो पे टैप कीजिए, गैलरी को ओपन कीजिए। जिस किसी फोटो को आपको सेट करना है आपको उस फोटो पे टैप करना है। मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पे टैप करूंगा। आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे। फिर आपको करना है टिक पे टैप। टेक्स्ट का कलर जो है आप यहां से चेंज कर सकते हो, ब्लैक या फिर व्हाइट। फिर आपको करना है अप्लाई पे टैप। इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। तो जो फोटो है सेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। आप अपनी स्मार्ट वॉच में एक साथ 5 वॉच फेस को प्लेस कर सकते हो। हालांकि जो पहले 4 वॉच फेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जो आखिरी वाला होता है 5वां वॉच फेस, वही चेंज होगा जब भी आप किसी भी वॉच फेस को अप्लाई करोगे तब। आप अपनी स्मार्ट वॉच से भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। आपको वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करना है, फिर आप ऐसे स्वाइप करके वॉच फेस के बीच में स्विच कर सकते हो। आपको जिसे सेट करना है उस पे टैप कीजिए। आगे है सेडेंडरी रिमाइंडर, मतलब कि आइडल अलर्ट। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली 1 घंटे के दौरान, ना आप चले ना आप उठे, तो आपको हर रोज सुबह के 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक हर घंटे आएगा एक अलर्ट आपकी वॉच में कि आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए। तो इसे यूज करने के लिए आपको करना है सेव पे टैप, फिर कीजिए ओके। आगे है अलार्म्स। तो अगर आप अलार्म्स को ऐड करना चाहते हो तो ऐप के जरिए भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम वॉच के जरिए ही ऐड करेंगे। आगे ये है नोटिफिकेशन, जिसे हमने पहले ही इनेबल कर लिया है। इसके बाद है ऑटो एचआर ट्रैकर, मतलब कि ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजरमेंट। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑन रखा गया है आपकी वॉच में, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये ऑन है और हर 15 मिनट में आपकी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर हो रहा है। तो अगर आपको यूज करना है तो आप अपने हिसाब से जो टाइमर है उसे सेट कर सकते हो। जितना टाइमर आप कम रखोगे उतनी बैटरी ज्यादा यूज होगी आपकी वॉच में। तो अगर आप चाहते हो बैटरी बैकअप आपको बढ़िया मिले तो आप रखिए 60 मिनट, मतलब कि हर 1 घंटे के बाद आपकी वॉच में हार्ट रेट मेजर होगा ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक हार्ट रेट यूज नहीं करना है तो आप इसे सिंपली कीजिए ऑफ और कीजिए सेव। अब आपकी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर नहीं होगा, जब आप मैन्युअली मेजर करोगे अपनी वॉच में तभी होगा मेजर। ब्लूटूथ कॉलिंग जो हमने पहले ही ऑन कर लिया है। इसके बाद है फाइंड माय वॉच, तो आप इस ऑप्शन के जरिए अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी वॉच को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रही है, तो ऐसे में अगर आप इस पे टैप करोगे तो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट 15 सेकंड के लिए। स्टॉप करने के लिए स्टॉप पे टैप कीजिए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी, गूगल फिट। तो अगर आप गूगल फिट का यूज करते हो तो आप जो अपना डेटा है इस ऐप में, बोट क्रेस्ट ऐप में, उस डेटा को सिंक कर सकते हो गूगल फिट के साथ। मतलब कि आपका जो भी हार्ट रेट, SpO2, स्टेप्स, डिस्टेंस, किलो कैलोरी, ये जो डेटा है ये सारा डेटा आप गूगल फिट में भी देख पाओगे। तो दोनों ऐप में आपका हेल्थ और एक्टिविटी डेटा सिंक रहेगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको करना है कनेक्ट पे टैप। इसके आगे है सेटिंग्स, इसमें सबसे पहले है माय गोल्स। तो आप जो अपने डेली गोल्स है यहां से चेंज कर सकते हो। पहले है स्टेप गोल, मतलब कि आपको रोजाना कितने स्टेप चलने हैं, तो आप यहां से चेंज कीजिए ओके। और ये है स्लीप गोल, मतलब कि आपको रोज कितनी स्लीप लेनी है, तो आप जो अपना डेली स्लीप गोल है यहां से चेंज कर सकते हो। फिर ये है वॉच सेटिंग्स, इसमें सबसे पहले है
वेक जेस्चर मतलब कि रेस्ट टू वेक का फीचर। तो अगर आपको इसे यूज करना है तो इस पर टैप कीजिए, इसे ऑन कीजिए। आपको यहाँ पे स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट करना है, जो टाइम आप यहाँ पे सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। तो मान लेते हैं आपको ऑल द टाइम इसे यूज करना है हमेशा के लिए, तो 12 AM टू 12 AM आपको टाइम सेट करना है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। तो इसका मतलब क्या होता है, तो अगर आप अपनी वॉच को ऊपर करोगे तो डिस्प्ले जो होगा ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हो, इसे कहते हैं रेस्ट टू वेक फीचर। नीचे करोगे तो ऑफ हो जाएगा, इस तरीके से ऊपर करोगे तो ऑन। डिस्टेंस यूनिट आपको वही रखना है। टाइम फॉर्मेट मतलब कि आप जो टाइम है अपनी वॉच में उसे सेट नहीं कर सकते, जो टाइम आपके फोन में शो कर रहा है सेम वही टाइम आपकी वॉच में भी शो करेगा। हालांकि आप जो टाइम फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हो, आपको इस पर टैप करना है। आपको मिलेंगे दो ऑप्शन, 12 आवर या फिर 24 आवर। आपको जिस फॉर्मेट में टाइम को शो करना है अपनी वॉच में आपको उसे करना है सिलेक्ट और करना है ओके पर टैप। फिर है DND मतलब कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएगा और कोई भी साउंड या वाइब्रेशन प्ले नहीं होगा आपकी वॉच में। आप इसे शेड्यूल के हिसाब से भी यूज कर सकते हो, तो आपको इसे ऑन करना है, टाइम सेट करना है, जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान ही DND काम करेगा। इस वॉच में क्विक रिप्लाई का भी फीचर दिया गया है जो काफी शानदार और प्रैक्टिकल है। तो आपको इस पर टैप करना है, इसे ऑन कीजिए, डन कीजिए, ओके कीजिए, परमिशंस पे टैप कीजिए और आपको SMS पे टैप करना है और करना है इसे अलाउ। इसके बाद बैक जाइए ऐप में, फिर से इसे ऑन कीजिए, फिर आपको करना है मैनेज क्विक रिप्लाई पे टैप। आपको यहां पे मिलेंगे 5 क्विक रिप्लाई, मतलब कि जब भी कोई कॉल आएगा तो आपको ये 5 क्विक रिप्लाई शो करेंगे आपकी वॉच में। आप अपने हिसाब से इन्हें चेंज भी कर सकते हो। तो आपको पेंसिल के आइकन पे टैप करना है, आप इसे इरेज करके अपने हिसाब से कोई भी जो क्विक रिप्लाई है उसे ऐड कर सकते हो। 60 कैरेक्टर्स की यहाँ पे लिमिट दी गई है, तो मैंने सेट किया है विल कॉल यू इन 10 मिनट्स। आपको फिर करना है ओके पे टैप। इस तरीके से आप सभी रिप्लाई को एडिट कर सकते हो। फिर आपको करना है सेव पे टैप। और ये है डिसकनेक्ट वॉच। तो अगर आपको अपनी वॉच को अपने फोन के साथ अनपेयर करना है, डिसकनेक्ट करना है, तो इसका यूज कीजिए। हालांकि अगर आप इसे यूज करोगे, मतलब कि अगर आपको फिर से यूज करना हुआ इस वॉच को, तो आपको पहले से सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं होम पेज की, जहां पे आपको शो करेगा आपका एक्टिविटी और वाइटल डेटा। आप इसे स्वाइप डाउन करके कर सकते हो रिफ्रेश। इस वॉच में अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे लाइव क्रिकेट स्कोर, आप इसे इनेबल कर सकते हो। तो इसे इनेबल करने के लिए ऊपर में यहाँ पे मिलेगा आपको क्रिकेट का आइकन, आपको इस पर टैप करना है, एक्सेप्ट कीजिए, इनेबल नाउ, इनेबल स्कोर पुश टू वॉच, इसे ऑन कीजिए। और अगर आप चाहते हो जब भी स्कोर रिफ्रेश हो तो मुझे मिले वाइब्रेशन मेरी वॉच में, तो आपको इसे ऑन करना है। आपको मिलेंगे दो फॉर्मेट, ODI और T20। तो ODI के लिए यहाँ पे मिनिमम है 10 मिनट, मतलब कि हर 10 मिनट के बाद आपकी वॉच में जो स्कोर होंगे रिफ्रेश होते रहेंगे। और T20 के लिए है मिनिमम 2 मिनट, 2 मिनट के बाद जो स्कोर होंगे ऑटोमेटिक रिफ्रेश होते रहेंगे। फिर आपको करना है सेव पे टैप। हालांकि इसमें इंडिया की मैचेस और IPL ही शो करेंगे, ओके पे टैप कीजिए। लेकिन अभी फिलहाल कोई भी लाइव मैच रन नहीं कर रही है। अगर कोई भी लाइव मैच चल रही हो तो आपको उस पर करना है सिलेक्शन, उसके बाद उस मैच का डेटा आपको शो करेगा आपकी वॉच में। यह है आपका आज का डेटा। तो आज आप कितने स्टेप चले हो, कितनी कैलोरी बर्न की है और कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, आप टैप करके उसे चेक कर सकते हो डिटेल में डेट वाइज। और आप अपनी वॉच में अपना जो भी वाइटल मेजर करोगे, जैसे कि हार्ट रेट और SpO2, तो उसका डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप अलग अलग डे वाइज इसे चेक कर सकते हो। इसके अलावा आज का मिनिमम मैक्सिमम कितना रहा है और ग्राफ वाइज आपका शो करेगा हार्ट रेट और SpO2। यह है स्लीप स्कोर। तो अगर आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे तो आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड होगा आपकी वॉच में। अगर आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड नहीं भी होगी, फिर भी आपकी वॉच में होगा स्लीप रिकॉर्ड, और जो रिकॉर्ड होगा उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे शो करेगा कि आप कितने घंटे सोए, आपका डीप स्लीप, लाइट स्लीप और अवेक टाइम कितना है। और ये है एनर्जी मीटर। तो आपको यहाँ पे मिलेगा आपका स्कोर आउट ऑफ 100। अब इसका मतलब क्या होता है, तो अगर आप अच्छे से वर्कआउट करते हो, इनफ स्लीप आप अगर लेते हो, तो आपको मिलेगा यहाँ पे एनर्जी स्कोर अलग अलग, आप डे वाइज इसे चेक कर पाओगे। और अगर आप कोई भी वर्कआउट करोगे आपके स्मार्ट वॉच में, उसका डेटा अगर आपको देखना हुआ, आपको अगर एक्टिविटी रिकॉर्ड चेक करना हुआ, तो आपको एक्टिविटी पे टैप करना है होम पेज पे और करना है हिस्ट्री पे टैप। तो आपने पहले से लेकर अब तक कौन कौन से वर्कआउट किए हैं उसका डेटा यहाँ पे आपको शो करेगा, आप इस पे टैप करके उसे चेक कर पाओगे डिटेल में। तो हमने इस ऐप के जरिए अपने स्मार्ट वॉच को सेटअप कर लिया है। अब हम देखेंगे आपको अपनी वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके है
फोर फंक्शंस। तो मान लेते हैं अगर आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है, अगर आपको डिस्प्ले को ऑन करना हुआ तो आप इस पर प्रेस करके इसे ऑन कर सकते हो। अगर आप होम पेज पे हो, ऐसे में अगर आपने इस पर प्रेस किया तो आप एक्सेस कर पाओगे मेन मेनू को। इस तरीके से ये है मेन मेनू। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको बैक जाना है स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इस पर प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। स्टेप बाय स्टेप बैक जाने का और एक तरीका है, तो आपको ऐसे करना है राइट में स्वाइप स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। और अगर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको मिलेंगे दो ऑप्शन, इस वॉच को स्विच ऑफ करने का और इसे रिस्टार्ट करने का। आप टैप करके उस ऑप्शन को इनेबल कर पाओगे। होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आप चेक कर पाओगे यहाँ पे लाइव क्रिकेट स्कोर। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे कंट्रोल सेंटर, बैटरी लेवल और डेट शो होगी। सबसे पहले है डीएनडी को ऑन ऑफ करने का टोगल, तो आप यहां से भी डीएनडी को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद है अलार्म का ऑप्शन, तो आप यहां से अलार्म को ऐड कर पाओगे। आपको प्लस के साइन पे टैप करना है, टाइम सेट कीजिए, नेक्स्ट पे टैप कीजिए, कौन कौन से दिन को आपको अलार्म को प्ले करना है उन दिन को आपको चूज करना है, फिर नीचे ओके पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप अलार्म को ऐड कर सकते हो। मैक्सिमम आप ऐड कर पाओगे 5 अलार्म्स। आप आवर और मिनट को एरो पे टैप करके चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप यहां से अलार्म को ऑन ऑफ कर सकते हो और टैप करके आप उसे यहां से चेंज भी कर सकते हो। इसके अलावा उसे यहां से डिलीट भी कर सकते हो। जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। फिर आगे है फाइंड माई फोन, तो आप इस ऑप्शन के जरिए अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपके फोन में रिंग बजेगी। अगर आपका फोन साइलेंट पे भी हुआ फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी, तो आपको इस पर टैप करना है। फ्लैश लाइट भी जलता रहेगा ऐसे। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। फिर ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का टोगल, तो आप यहाँ पे ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो एरो पे टैप करके। इस तरीके से इसमें है 550 निट्स ब्राइटनेस, जो काफी अच्छी है, आउटडोर में आप अच्छे से यूज कर पाओगे अपनी वॉच को। और ये है सेटिंग्स, इसमें सबसे पहले है वॉच फेस, तो आप यहां से वॉच फेस को चेंज कर पाओगे इस तरीके से। आगे है स्क्रीन स्लीप, मतलब कि डिस्प्ले को अगर आप ऑन करोगे तो कितने टाइम के लिए ऑन रहना चाहिए, उसे कहते हैं स्क्रीन स्लीप। मैंने किया है 7 सेकंड्स, मतलब कि अगर डिस्प्ले ऑफ हो जाता है और अगर मैं इसे ऑन करूंगा तो अब यह 7 सेकंड्स के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। हालांकि आप इसे बढ़ा सकते हो मैक्सिमम 20 सेकंड तक, एरो पे टैप करके आप इसे कम ज्यादा कर सकते हो इस तरीके से। तो अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आप मैक्सिमम 15 सेकंड तक रख सकते हो, उसके आगे मत जाना। तो मैंने सेट किया है अभी फिलहाल 10 सेकंड्स, मतलब कि डिस्प्ले अब 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। यह है वेक जेस्चर, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर, तो आप यहां से भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। यहां पे मिलेंगे आपको दो ऑप्शन, ऑल डे और शेड्यूल। ऑल डे मतलब हमेशा के लिए काम करेगा और शेड्यूल मतलब आप जो टाइम सेट करोगे उस टाइम के दौरान ही काम करेगा। स्टार्ट टाइम सेट कीजिए, एंड टाइम सेट कीजिए इस हिसाब से। फिर है वाइब्रेशन, तो यहां पे आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन। अगर आप करोगे नन पे, मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा, मतलब कि कोई भी कॉल आएगा मैसेज आएगा तो वाइब्रेशन नहीं होगा। अगर आप करोगे सॉफ्ट पे तो हल्का सा वाइब्रेशन आपको मिलेगा, अगर आप करोगे स्ट्रॉन्ग पे तो आपको मिलेगा ज्यादा वाइब्रेशन। फिर है डीएनडी, तो आप यहां से भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हो ऑल डे और टाइम के हिसाब से। सिस्टम पे अगर आप टैप करोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन, इस वॉच को रिस्टार्ट करने का, स्विच ऑफ करने का और इसे रिसेट करने का। अगर आप करोगे रिसेट तो आपकी वॉच में जो भी डेटा है, जो भी सेटिंग्स आपने सेव की है, सभी हो जाएगी डिलीट। और ये है डाउनलोड ऐप, तो जो हमने डाउनलोड किया है वोट क्रेस्ट ऐप, उसी का ये QR कोड दिया गया है, इसे स्कैन करके आप इसे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि हमने पहले ही डाउनलोड कर लिया है, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। होम पेज पे अगर आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको मिलेंगे अलग अलग शॉर्टकट्स। सबसे पहले है एक्टिविटी पेज, मतलब कि आपके स्टेप्स, कैलोरी और डिस्टेंस, ये है आज का डेटा। इसके आगे है SPO2, अगर आपको मेजर करना है तो मेजर पे टैप कीजिए, नॉर्मली 95 या उसके ऊपर होना चाहिए आपका SPO2। इसके आगे है हार्ट रेट, तो आपका हार्ट रेट कितना है आप यहां से चेक कर सकते हो मेजर पे टैप करके। जब तक आपको वाइब्रेशन फील नहीं होता आपको इसे स्टॉप नहीं करना है। इसके बाद है स्लीप डेटा, तो आप कितना टाइम सोए, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, रेम और अवेक टाइम यहाँ पे शो करेगा। रेम मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट, तो सोने के दौरान जब आप सपने देखते हो, सबकॉन्शियस माइंड में होते हो, तब आपकी आंखें मूव करती है यहां से वहां, उसे कहते हैं रेम, तो उसका टाइम भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। फिर इसके आगे है म्यूजिक प्लेयर, तो आपको टैप करना है म्यूजिक को प्ले करने के लिए।
वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, प्रीवियस, नेक्स्ट, अगर म्यूजिक प्ले नहीं हुआ तो आपको म्यूजिक ऐप को ओपन करना है अपने फोन में, म्यूजिक को प्ले करना है, पॉज करना है, फिर से प्ले करना है, म्यूजिक प्ले होगा आपकी वॉच में, तो जो म्यूजिक है प्ले हो रहा है आपकी वॉच में, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो म्यूजिक जो है मेरे फोन में प्ले हो, वॉच में प्ले ना हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको अपने फोन में बीटी सेटिंग्स को ओपन करना है, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा बीट कॉल बीटी ऐसा लिखा हुआ, आपको गियर के आइकन पे टैप करना है और जो ऑडियो लिखा हुआ है ऑडियो के टॉगल को आपको ऑफ करना है। इसके बाद म्यूजिक अगर आप प्ले करोगे तो प्ले होगा आपके फोन में। तो ये जो ऑडियो का टॉगल है इसे समझना काफी जरूरी है। तो अगर आपने इसे ऑन किया मतलब कि आप जो भी मीडिया प्ले करोगे आपके फोन में, फिर चाहे कोई भी म्यूजिक हो, वीडियो हो या फिर यूट्यूब हो, तो उसका साउंड प्ले होगा आपकी वॉच में। लेकिन आप चाहते हो जो भी मैं मीडिया प्ले करूं उसका साउंड फोन में ही प्ले हो, तो आपको ऑडियो को ऑफ ही रखना है। इसके बाद है नोटिफिकेशन पेज, तो आप अपने जो मैसेज है यहाँ पे रीड कर पाओगे। अब बात करते हैं मेन मेनू की, तो ये रहा मेन मेनू। सबसे पहले है कॉल और इसमें पहले है डायलर, तो आप यहाँ पे किसी भी नंबर को डायल करके बड़ी आसानी से कॉल कर सकते हो इस तरीके से। फिर है फोन बुक, तो जो भी आपने 20 कॉन्टैक्ट्स को ऐड किए आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे वो सारे कॉन्टैक्ट्स। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है। और फिर है आपकी कॉल हिस्ट्री, तो आप जो अपने रिसेंट कॉल से यहां से चेक कर पाओगे, यहां पे शो करेंगे आपके पिछले 20 कॉल्स। अगर आप इन्हें कॉल करना चाहते हो फिर से तो आप उस पर टैप करके कॉल कर सकते हो। आपको यहां पे डेट और टाइम भी शो करेगा रिसेंट कॉल में। हालांकि आप अपनी कॉल हिस्ट्री को यहां से डिलीट नहीं कर सकते। और फिर है एक्टिविटीज मतलब कि वर्कआउट मोड, यहां पे आपको मिलेंगे 10 वर्कआउट मोड जैसे कि वॉकिंग, ट्रेडमिल, रनिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, योगा, डांसिंग, इंडोर साइकिलिंग। आपको जिसे स्टार्ट करना है आपको उस पर टैप करना है, गो कीजिए। तो यहाँ पे शो होगा कितना टाइम हुआ है इस वर्कआउट को, आपकी पेस, पेस मतलब अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको कितना मिनट लगेगा, ये है आपका डिस्टेंस। इसके अलावा आपका हार्ट रेट यहाँ पे शो होगा और ये है कैलोरी और स्टेप्स। इसके अलावा अगर आप करोगे स्वाइप लेफ्ट तो यहाँ पे आप जो म्यूजिक कंट्रोल है उसका यूज कर पाओगे क्विकली। और अगर आपको इसे स्टॉप या पॉज करना हुआ तो स्वाइप कीजिए राइट और यहाँ पे है पॉज, रिज्यूम और ये है एंड। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव हो आपके वॉच में और ऐप में, तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है और जो भी आप वर्कआउट करोगे उसका डेटा शो होगा यहाँ पे एक्टिविटी रिकॉर्ड में। तो आपने जो भी वर्कआउट किए आपके स्मार्ट वॉच में यहाँ पे आप उन्हें देख सकते हो डिटेल में। फिर है हार्ट रेट, SpO2, स्लीप जो हम देख चुके हैं। फिर है ब्रीदिंग वर्कआउट, तो आप यहाँ पे जो टाइमर है उसे सेट कर सकते हो। फिर आपको स्पीड भी सेट करनी है, स्लो, फास्ट या मॉडरेट। फिर आपको करना है स्टार्ट पे टैप। जिस तरीके से सर्कल छोटा होता है बड़ा होता है उस तरीके से आपको सांस लेनी है छोड़नी है। इनहेल मतलब सांस लेनी है और एक्सहेल मतलब सांस छोड़नी है। ये है नोटिफिकेशन, तो आप जो मैसेज है यहां से भी रीड कर पाओगे। यहां पे दिया गया है स्टॉपवॉच, आप स्टार्ट कर सकते हो, लैप का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा आगे है टाइमर, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग प्रीसेट टाइमर। हालांकि आप यहाँ पे कस्टम पे टैप करके मैक्सिमम 23 आवर 59 मिनट और 59 सेकंड तक का जो टाइमर है स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से टाइमर जो है बैकग्राउंड में वर्क नहीं करता। फ्लैश लाइट को आप यहाँ पे वन टैप में ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। कैमरा कंट्रोल है तो टैप कीजिए फिर से आपके फोन में ओपन होगा कैमरा। अगर नहीं हुआ तो जो ऐप है उससे ओपन कीजिए बोर्ड क्रेस्ट ऐप को, फिर से इस पर टैप कीजिए फोटो कैप्चर हो जाएगी आपके फोन में। जब आप ऐप को ओपन रखोगे तभी ये फीचर काम करेगा, ऐप अगर क्लोज होगा तो ये फीचर काम नहीं करेगा। और लास्ट में है वॉइस असिस्टेंट, तो आपको इस पर टैप करना है। जो भी आपके फोन में गूगल असिस्टेंट, सीरी या बिक्सबी है उसका यूज आप कर पाओगे। आपको टैप करना है हाउ इज द वेदर टूडे। अगर आपका फोन लॉक है फिर भी ये फीचर काम करेगा। टेल मी लाइव क्रिकेट स्कोर। दोस्तों तो ये था बोट वेव बीट कॉल का कंप्लीट सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।